गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम कोशिका अंगक के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? तो आज हमें पढ़ना है कोशिका अंगक के बारे में पढ़ना है। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, कोशिका अंगक में प्रत्येक कोशिका के चारों ओर अपनी झिल्ली होती है। क्या होती है? अपनी झिल्ली होती है, जिसमें कि उसमें स्थित पदार्थ बाह्य पर्यावरण से अलग रहे। यानी झिल्ली का काम क्या है कि जो इसके अंदर पदार्थ उपस्थित हैं उनको बाह्य पर्यावरण से अलग रखती है। तो बड़ी तथा जटिल कोशिकाओं जिसमें बहुकोशिकीय जीव भी शामिल हैं को उपापचयी क्रियाओं की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर ये उपापचयी क्रियाएं ना हो तो उनका शरीर जो होगा जीवित नहीं रह पाएगा, जिससे कि वह जटिल संरचना तथा कार्य को सहारा दे सके। इस विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं को अलग अलग रखने के लिए ये कोशिकाएं छोटी छोटी संरचना का उपयोग करती है। यानी जो उपापचयी क्रिया होती है उनको अलग अलग करने के लिए इनमें और भी डिवाइडेशन होता है, और भी कोशिकाएं क्या होती है, विभाजित रहती है। तो देखिए स्टूडेंट, ये कोशिकाएं झिल्ली युक्त छोटी छोटी संरचनाओं का उपयोग करती है और यह यूकैरियोटिक कोशिका का ऐसा गुण है जो उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से अलग करता है। इनमें से कुछ को केवल हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हैं। देखिए, हमने पिछले अनुभाग में केंद्रक के विषय में पढ़ा था। हमने अंतःद्रव्यीय जालिका, गाल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकांड्रिया, प्लेस्टिस, कोशिकांगकों के महत्वपूर्ण उदाहरण के बारे में जाना, जिन पर हम विचार करेंगे। अब हम इस अनुभाग में इन्हीं सब के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं आगे क्या है। देखिए स्टूडेंट, आपका अगला है अंतःद्रव्यीय जालिका, इसी के बारे में हमें पढ़ना है। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, अंतःद्रव्यीय जालिका के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि अंतःद्रव्यीय जालिका जो है एक झिल्ली युक्त नलिकाओं सीट का एक बहुत बड़ा तंत्र है। यानी झिल्ली जैसी संरचना है और ये इसका एक बहुत बड़ा तंत्र है। ये लंबी नलिका अथवा गोल आयताकार होती है। अंतःद्रव्यीय जालिका की रचना झिल्ली जैसी होती है। किसकी जैसी होती है? प्लाज्मा झिल्ली के समान ही इसकी रचना होती है। तो देखिए, अंतःद्रव्यीय जालिका के दो प्रकार हैं। एक है चिकनी अंतःद्रव्यीय जालिका और दूसरी है खुरदरी अंतःद्रव्यीय जालिका। तो खुरदरी अंतःद्रव्यीय जालिका खुरदरी क्यों है? तो खुरदरी इसलिए है क्योंकि इसमें रिबोसोम्स लगे होते हैं। इस रिबोसोम के कारण ही ये क्या होती है, खुरदरी दिखाई देती है। और जो खुरदरी अंतःद्रव्यीय जालिका है वो प्रोटीन को कहाँ पहुंचाती है? तो अंतःद्रव्यीय जालिका में पहुंचाती है। अगर आपसे कोई पूछे कि खुरदरी अंतःद्रव्यीय जालिका का काम क्या है तो आप बताएंगे कि खुरदरी अंतःद्रव्यीय जालिका जो होती है वो क्या करती है, वो जो प्रोटीन वहां पर बनता है उसको कहाँ पहुंचाती है? तो अंतःद्रव्यीय जालिका में पहुंचाती है। अगर आपसे कोई पूछे कि जो चिकनी अंतःद्रव्यीय जालिका है SER है वो क्या करती है, तो लिपिड अथवा प्रोटीन को, अगर आपसे कोई पूछे कि चिकनी अंतःद्रव्यीय जालिका क्या करती है तो आपको बताना है कि वह अंतःद्रव्यीय जालिका वसा तथा लिपिड को अणुओं को बनाने में सहायता करती है। यानी चिकनी अंतःद्रव्यीय जालिका जो है वो क्या करती है, वसा और लिपिड को बनाने का काम करती है। अगर आपसे कोई पूछे खुरदरी अंतःद्रव्यीय जालिका क्या करती है, तो खुरदरी अंतःद्रव्यीय जालिका प्रोटीन बनाती है। और चिकनी अंतःद्रव्यीय जालिका क्या बनाती है, तो चिकनी अंतःद्रव्यीय जालिका वसा एवं लिपिड का निर्माण करती है। यह कोशिकीय क्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करते हैं। ठीक, सही बात है। अगर प्रोटीन नहीं बनेगा तो कोशिका झिल्ली नहीं बनेगी, और कोशिका झिल्ली नहीं बनेगी किसी भी कोशिका का अस्तित्व नहीं होगा। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवात जनन कहते हैं। यानी कि कुछ प्रोटीन जो होते हैं कोशिका झिल्ली का निर्माण करते हैं और इस प्रक्रिया को हम कोशिका झिल्ली का जीवात पुनर्जनन कहते हैं। कहने का मतलब है कि अगर प्रोटीन ना बने इसके अंदर, जो आपका RER है, जो खुरदरी अंतःद्रव्यीय जालिका है, ये प्रोटीन का निर्माण करती है और ये प्रोटीन स्वयं कोशिका झिल्ली का निर्माण करने में सहायता करते हैं। इसका ये मतलब है कि अगर RER ना हो, खुरदरी अंतःद्रव्यीय जालिका ना हो, तो क्या होगा, कोशिका झिल्ली का निर्माण नहीं होगा और कोशिका क्या हो जाएगी, मृत हो जाएगी। कुछ अन्य प्रोटीन तथा वसा एंजाइम एवं हार्मोन्स की भांति
ये कार्य करते हैं। यद्यपि विभिन्न कोशिकाओं में ER विभिन्न रूपों में दिखाई देता है परंतु सदैव एक जालिका तंत्र का निर्माण करता है। चित्र में दिखाता हूँ, देखिए ये आपका चिकनी अंतर्द्रवी जालिका है और ये देखिए आप यहाँ पे खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका है। देखिए एक जाली का निर्माण कर रही है। आपको पता होना चाहिए कि खुरदरी जो होती है वो प्रोटीन बनाती है और ये चिकनी है ये वसा और लिपिड बनाती है, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार ER का एक कार्य कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य अथवा कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्र तथा केंद्रक के मध्य पदार्थों मुख्यतः प्रोटीन के परिवहन के लिए एक नलिका के रूप में कार्य करना है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि ER का मुख्य काम क्या है तो आपको बताना है कि ER कोशिका के अंदर मुख्य रूप से प्रोटीन वसा और लिपिड का परिवहन करता है। ER की कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए कोशिका द्रव्य ढांचे का निर्माण भी करती है। यानी कुछ जैव रासायनिक प्रक्रियाओं के लिए ER क्या करती है, स्वयं का एक तंत्र बनाती है कि कार्य क्या हो सरलता से किया जा सके। तो देखिए एक वर्ग के जंतुओं जिन्हें कशेरुकों भी कहते हैं, अध्याय 7 में हम पढ़ेंगे इस विषय में कि किस प्रकार से SER विष और दवा का निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये हम लेसन नंबर 7 में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट हमारे पास एक अगला टॉपिक है आपका गोल्जी उपकरण। तो देखिए कैमियो गोल्जी द्वारा वर्णित गोल्जी उपकरण झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का एक तंत्र है। गोल्जी उपकरण क्या है तो